हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, मंगलवार को चढ़ाए हनुमान जी को पान। हनुमान को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम साधन पान से प्रसन्न होंगे संकट मोचन। हनुमान को चढ़ाए पान, पूरे होंगे सारे अरमान। पान से प्रसन्न होंगे संकट मोचन, बजरंग बली की कृपा से टल जाएगी हर बाधा। हमेशा रहते हैं भक्तों के साथ, दुष्टों के नाशक, दुखियों के नाथ, जिनके नाम से कांपती है बुरी शक्तियां। फ्रेंड, पान से करें हनुमान जी की आराधना। हम और विस्तार से बात करें, पर इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मंगलवार को चढ़ाए हनुमान जी को पान, शनि की भी मिलेगी कृपा। फ्रेंड्स, मंगलवार के दिन राम भक्त हनुमान जी को पान चढ़ाया जाता है। इस पान के साथ विशेष प्रार्थना भी की जाती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को विशेष पान अर्पित करने से जीवन की हर समस्या का नाश हो जाता है। क्या होंगे लाभ? हनुमान जी को अष्ट सिद्धि प्राप्त है, यानी कि हनुमान को लक्ष्मी के आठों रूपों का आशीर्वाद है। ऐसे में अगर आप हनुमान जी को पान चढ़ाते हैं तो आप पर लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। राम भक्त हनुमान अगर खुश होंगे तो राम भी प्रसन्न होंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के ही अवतार हैं। ऐसे में आपको भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलेगा। शनि ने श्री हनुमान जी को वचन दिया था कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है तो उस पर शनि की टेढ़ी दृष्टि नहीं होगी। अगर आप पर शनि की साढ़े साती चल रही है या शनि कमजोर है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को पूजा करें, उन्हें पान चढ़ाएं। अगर मंगल कमजोर है तो मंगलवार के दिन पान चढ़ाने से भी आपका मंगल ठीक हो जाएगा। हनुमान जी को पान अर्पित करें लगातार 9 मंगलवार। हनुमान जी को पान चढ़ाने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। कुंडली में मंगलधारी है तो मंगलवार के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी को पान चढ़ाएं, फिर वहीं बैठकर 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। फ्रेंड्स, कैसे बनवाएं हनुमान जी का विशेष पान? एक पान केवल इसमें कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कत्री डलवाएं। यह पान एकदम ताजा, मीठा और रसभरा होना चाहिए। ध्यान रहे कि पान में चूना, तंबाकू एवं सुपारी नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, कैसे करें हनुमान जी को पान अर्पण? विधि विधान से पूजन करने के बाद अर्ज करें, हे हनुमान जी, मीठा पान अर्पण है, मेरे जीवन में मिठास भर दीजिए। हनुमान जी को यदि ये बोलकर अर्पण किया जाएगा तो बजरंग बली की कृपा से बहुत जल्द हर हर समस्या का समाधान हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक के थ्रू बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन है जिस पर क्लिक करें और मेरी वीडियो की अपडेट जानते रहें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।